नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। मैं बिग अपोलो स्पेक्ट्रा में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आजकल आप सुनते होंगे कि लोग सीधे उठते हैं सुबह में या जिम करने में एक्सपायर कर जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या कारण है। तो ऐसा ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज का लक्षण हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हम लोग हार्ट के जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल प्लाक, उसमें प्लाक जमा होने के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो प्लाक कोलेस्ट्रॉल और फैट का जनरली बना रहता है और वो हार्ट के भीतर की नलियों में जमा होती जाती है और जमा होते होते धीरे धीरे हार्ट की नलियाँ सिकुड़ जाती है। फिर अगर कहीं से कोई क्लॉट या थ्रम्बस बनता हो और या वही प्लाक के रप्चर करने पे वो आर्टरी सीधे बंद हो सकती है और हार्ट अटैक हो जाता है, जिसको हम लोग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जनरली तीन तरह की होती है। उसमें एक पूरे हार्ट की नली अगर पूरी बंद हो जाती है तो ST elevation एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है। अगर हार्ट की नली पूरा बंद नहीं हो लेकिन सब्सटेंशियल बंद हो जाता है तो नॉन स्टेमी होता है, या हार्ट की नली उसमें ना हार्ट के मसल में डैमेज होता है, ट्रोपनिन का लेवल बढ़ जाता है। अगर हार्ट की नली में बंद हो, चेस्ट पेन हो, लेकिन अगर एक ट्रोपनिन का लेवल ना बढ़े तो हम लोग उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो हार्ट के नलियों के बंद होने के कारण छाती में दर्द होता है, इस दर्द को हम लोग एंजाइनल पेन बोलते हैं। तो अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक को अगर तुरंत नहीं रोका जाए तो हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई घटने के कारण हार्ट का मसल का डैमेज होते चला जाता है। और अगर हार्ट का मसल का सब्सटेंशियल डैमेज हो जाए 20-30%, तो हार्ट फेलियर में पेशेंट जा सकता है। हार्ट फेलियर के कारण स्टॉप हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर हार्ट के ब्लड सप्लाई जो है हार्ट के अंदर, अगर हार्ट के जो धड़कन कंट्रोल करने वाले सेंटर्स का ब्लड सप्लाई अगर हार्ट अटैक के कारण बंद हो जाए तो हार्ट का धड़कन में गड़बड़ी आती है और हार्ट VTVF या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, उससे भी मरीज की जान जा सकती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज आजकल के समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज जो है हार्ट की मरीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ही मरते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीज ही है जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो हार्ट अटैक का सिम्टम्स है मेनली छाती में दर्द होती है। छाती में दर्द को जनरली हम लोग बोलते हैं रेट्रोएक्सटर्नल चेस्ट पेन, यानी हार्ट के छाती के बीचों बीच दर्द होती है, और ये बाएं या दाहिने हाथ की तरफ या पीछे के तरफ भी दर्द जाता है। कभी कभी ये नीचे के जबड़े तक भी जाता है, जब इससे लोग ना दांत के दर्द से भी इसको कंफ्यूज करते हैं। तो हार्ट का दर्द जनरली हम लोग बोलते हैं कि जबड़े से लेके ऊपर नीचे अम्ब्लाइकस तक जा सकता है कहीं भी, और इसका रेडिएशन बाएं या दाहिने हाथ में भी होती है और पीछे भी जाती है। तो ऐसा अगर दर्द हो, इस तरह का सिम्टम हो, तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और एक ECG तुरंत हो जानी चाहिए। और ECG इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि 10 मिनट के अंदर में ECG को एक अच्छे ट्रेंड डॉक्टर उसको, फिजिशियन उसको पढ़ ले। अगर ST elevation MI है तो उसका तुरंत, उसमें अलग तरह से इलाज होता है, उसका थ्रोम्बोलिसिस या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। टाइम इज मसल, जितना जल्दी हम लोग इलाज चालू करेंगे उतना ज़्यादा हार्ट के मसल को बचा पाएंगे। जितना डिले होते जाएगा मसल का डैमेज होते जल्दा चला जाएगा और वो हार्ट फेल्योर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसलिए है कि जितने जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे उतने जल्दी, या तो अगर हॉस्पिटल में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, जैसे हम लोग का बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल है या और भी कैथ लैब एनेबल्ड हॉस्पिटल है, तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर नहीं सुविधा है तो हम लोग थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, अगर पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस के लिए एलिजिबल है, कुछ उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ना हो तो। थ्रोम्बोलिसिस या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करने से हार्ट के सब्सटेंशियल मसल को बचाया जा सकता है और बाद में हार्ट फेल्योर के संभावना कम रहती है।
और हार्ट फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, ऐसे पेशेंट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर आजकल के युग में हम लोग का सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और ओबेसिटी एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और टाइप ए पर्सनालिटी एंड ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी एक रिस्क फैक्टर्स में है। और हम लोग अगर अगर के जांच में लिपिड प्रोफाइल सब डिरेंज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। और अगर किसी का पहले से फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है तो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे पेशेंट को जिसमें कुछ ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, मॉडरेट एंड सीवियर हाई अल्कोहल इंटेक, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबिसिटी, तो इन लोगों को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप रूटीनली 45-50 साल के एज पे कराना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल्स, ब्लड शुगर, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन टेस्ट और ब्लड शुगर का जांच के साथ साथ ECG, ECO, TMT भी कराने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहले से कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले से बीमारी की पता चल जाएगी तो हम लोग जल्दी इलाज चालू करेंगे। जैसे अगर किसी का TMT पॉजिटिव आता है और उनको दर्द होती है चलने में, पैदल चलने में छाती में दर्द होता है, जिसको हम लोग स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, तो ऐसे में हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। अगर कोरोनरी एंजियोग्राफी में अगर कोई बीमारी आती है तो स्टेंट के द्वारा उसका स्टेंट कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, और स्टेंट डाल देने से उनका दर्द में आराम हो जाता है। और इस तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिम्टम्स है मेनली पैदल चलने पे छाती में दर्द होना, सांस फूलना, और पैदल चलने पे जो छाती में दर्द होता है उसका वो रेडिएट कर सकता है, बाएं हाथ के तरफ ज़्यादा करता है, लेकिन दाएं हाथ के तरफ भी कर सकता है, और पीछे और ऊपर जबड़े में भी उसका रेडिएशन हो सकता है, जो कि मैं पहले ही बताया। और कभी कभी उसका दर्द का जो सिम्टम्स है उसको लोग दांत के दर्द से भी कन्फ्यूज करते हैं, तो ऐसा हो तो तुरंत आप अपने कोई भी नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट से मिले और अपना पूरा जांच करवाएं। थैंक यू।